हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजीतपाल सिंह फ्रॉम अपोलो अकैडमी संगरूर। बेटा आप ब्लड वैसकूलर सिस्टम दे विच कल आप ब्लड ते ब्लड वैसल्स की गल की सी। अज आप जो थर्ड पार्ट आ ब्लड वैसकूलर सिस्टम का, दैट इज योर हार्ट, जिहड़ा कि मेन पंप है, उसकी गल करांगे। ठीक है बेटा, सब तो पहला तो आप इमेजिन करते हैं भी यह हार्ट किस तरह का। कहिंदा हार्ट एक ऐसा ऑर्गन आ जिहड़ा ब्लड नूं पंप करदा गा। वह पंप करदा, वह अपनी फिस्ट दे साइज़ का हुंदा, ठीक है, मुट्ठी दे साइज़ का हुंदा गा। मेल्स दे विच हार्ट का जिहड़ा वेट हुंदा जां मास हुंदा, वह हुंदा बेटा 300 ग्राम, तो फीमेल्स दे विच 250 ग्राम तक हुंदा है। ठीक है जी, तो हार्ट आ जिहड़ा वह अपने लंग्स दे विच लाई करदा गा। इत्थे लंग्स खत्म हुंदे ने तां हार्ट इत्थे लाई करदा विच, तो थोड़ा जिहा लैफ्ट हैंड साइड नूं हुंदा गा। ठीक है, थोड़ा टिल्टड हुंदा लैफ्ट हैंड साइड वल नूं, ट्रैंगुलर शेप का हुंदा बेटा जी हार्ट हुंदा जिहड़ा। ठीक है, ट्रैंगुलर शेप का हार्ट एक मस्कूलर पूरा हुआ, ये जिहड़े मसल ने जिन्हां दा हार्ट बनिया हुंदा, दोज़ आर नोन एज कार्डिक मसल। ठीक है, जिहड़ा कार्डिक शब्द आ ये हार्ट नाल रिलेटड है, तो कोई भी तुसीं हार्ट का डिजीज देखोगे उहदे नाल कार्डिक जरूर लिखा हो, जिवें कार्डिक अरैसट हो गया। ठीक है, तो कार्डिक जिहड़ा शब्द आ हार्ट नाल रिलेटड आ, तो कार्डिक मसल्स का हार्ट बनिया हुंदा। ये पुत स्पैशल काइंड के मसल्स ने जिहड़े कदे नहीं थकते। ठीक है, ये फटीग नहीं करते, इन्ना ये थकान नहीं होंदी इन्हां नूं। ठीक है जी, इन्हां नूं लगातार खून की ऑक्सीजनेटड खून की सप्लाई रहिंदी आ, इन्हां नूं कोई थकान नहीं होंदी बेटा। ठीक है, क्योंकि जे थक जाणगे इहदा मतलब हार्ट बीट करना बंद कर दूगा, हार्ट बीट करना बंद कर दूँ मतलब बंदा मर जूगा। ठीक है जी, तो इत्थे ये नैवर फटीगड मसल ने गे। ठीक है, कार्डिक मसल आपां इन्हां नूं कहने आ। इन्हां दा स्ट्रक्चर तुसीं 9th क्लास दे विच डिस्कस किया होगा, जदों टिशू चैप्टर तुसीं पढ़िया होगा उदों तुसीं कार्डिक मसल बारे जरूर डिस्कस किया होगा। नहीं पढ़िया एक बार कार्डिक मसल बारे 9th क्लास की बुक चों देख लो थोड़ा जिहा। नैवर फटीगड मसल ने गे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्कियां चीज़ां उहदे विच दित्तियां होईयां ने, वह जरूर याद कर लिओ, कई बार उन्हां चों वी क्वेश्चन आ जांदा। ठीक है जी, चलो हुण आपां गल करदे आ कार्डिक मसल की। होर ये किस तरह का हुंदा बेटा, हार्ट के उत्ते एक लेयर, दो लेयरां हुंदियां नेगियां, दैट इज़ कॉल्ड पैरीकार्डियम। ठीक है, पैरीकार्डियम लेयर हुंदियां ने। ठीक है, मतलब पैरी मतलब उपरलियां, कार्डियम मतलब हार्ट दियां। ठीक है, तो इन्हां दे विच पैरीकार्डियल फ्लूइड भी हुंदा गा। ठीक है, हार्ट दियां लेयर्स दे विच भी फ्लूइड हुंदा, तां कि जिहड़ा हार्ट आ हार्ट दे आले दुआले भी फ्लूइड नाल ओह कवर्ड हुंदियां ने लेयर्स, तां कि जिहड़े हार्ट दी पंपिंग आ उहदे विच कोई फ्रिक्शन ना पैदा होवे, आराम नाल हार्ट अपना पंप करदा रहे। एक बेटा होर बहुत इंपोर्टेंट चीज़ आ, अपनी बॉडी च सारे कितें फ्लूइड ही फ्लूइड भरिया होया, तां कि फ्रिक्शन घट तो घट हो सके। ठीक है जी, अपनी थरोकिक कैविटी दे विच ओह लाई करदा गा, फेफड़ियां दे बहुत नज़दीक पिया हुंदा गा ओह। ठीक है, क्यों, इहदा भी रीज़न कुदरत ने देखो किन्ना वधिया दित्ता, भी फेफड़ियां दे कोल पिया हो तां ही वह ऑक्सीजनेटड ब्लड नूं ज़्यादा तो ज़्यादा कैरी करके हार्ट कोल लैके आउणगे। ठीक है, ज़्यादा फिर वह हार्ट की आ बॉडी नूं पंप करेगा। हुण की हुंदा है, हार्ट दे विच ह्यूमन हार्ट दे बेटा चार हिस्से हुंदे ने, ह्यूमन हार्ट दे चार चैंबर हुंदे ने। हुण ही आपां डायग्राम डिस्कस करांगे, एनाटोमी ऑफ हार्ट डिस्कस करांगे। ठीक है, तां ह्यूमन हार्ट तो पहलां आपां दो तीन गल्लां होर हार्ट नाल रिलेटड ने उह बहुत चंगी, जिवें जिहड़े अपने एक्वाटिक एनीमल्स ने फिशिज, इन्हां कोल टू चैंबर्ड हार्ट हुंदा गा। फिशिज कोल की हुंदा, टू चैंबर्ड हार्ट हुंदा, बेसिकली कोई हार्ट ही नहीं हुंदा, बस एक पंप करन वाला ऑर्गन हुंदा इस तरह का। ये बेटा फिश का हार्ट है। ठीक है, ये च इधरों ऑक्सीजनेटड ब्लड आउंदा, डी ऑक्सीजनेटड ब्लड निकलता, बस ये एवें चलता रहिंदा गा। इहदे विच ऑक्सीजनेटड ते डी ऑक्सीजनेटड ये मिक्सड हुंदे ने एक दूजे नाल की हुंदे ने, मिक्सड हुंदे ने, टू चैंबर्ड हार्ट आ बेटा ये। ठीक है, तां ही ये आपदा टैंपरेचर मेनटेन नहीं रख सकदियां। जिहड़े जानवर, ठीक है, जिवें फॉर एग्जाम्पल एक तां एक्वाटिक हो गए, एक आ गए एम्फीबियनस, अपने एम्फीबियन दे विच बेटा थ्री चैंबर्ड हार्ट हुंदा। किस तरह का हुंदा, दो चैंबर उपर, ठीक है, आ दो चैंबर हो गए, एक चैंबर नीचे हुंदा उहनां दे। इहदे विच ऑक्सीजनेटड ब्लड आउंदा, इत्थों पंप होके बाहर निकलता डीऑक्सी। इहदा मतलब की हो गया, इत्थों डीऑक्सी होके जिहड़ा इधरों डीऑक्सी आउंदा, ठीक है, इधरों डीऑक्सीजनेटड आउंदा, इधरों ऑक्सीजनेटड आउंदा, ते ये फिर बाहर निकलते ने इत्थों। ठीक है, इहदे च भी मिक्स ब्लड हुंदा, मिक्स ब्लड होण करके बेटा जी ये आपदा टैंपरेचर मेनटेन नहीं रख सकते। इन्हां नूं टैंपरेचर मेनटेन करन लई किहदी लोड़ पैंदी आ, किसी एक्सटरनल एजेंसी की लोड़ पैंदी आ। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां मगरमच्छ देखदे आ, मगरमच्छ की करदे ने, मगरमच्छ जदों इन्हां दा बॉडी टैंपरेचर लो हो जाता तां इह सूर च जाके बह जांदे ने आपदा मूँह खोल के,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮਗਰਮੱਛ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਅਤੇ ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਡੀਓਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਅਲੱਗ ਚੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਚੈਂਬਰ ਹਾਰਟ ਆਪਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਪਟਾਈਲ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਦੇ 3 ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਚੈਂਬਰ, ਬਟ 4th ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਟਾਈਲ ਨੇ ਉਹ 3.5 ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 3.5 ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੈਂਬਰ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਚੈਂਬਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਮੈਮਲਸ, ਮੈਮਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ 4 ਚੈਂਬਰ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਹਲਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਟੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮਟਿਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੈਪਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਪਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਪਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 2 ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਨੇ, ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਪਟਮ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਚੈਂਬਰਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, 4 ਚੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? 4 ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 4 ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ, 1, 2, 3, 4 ਬਣ ਗਏ ਨਾ, 4 ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰਟ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਮ ਹੈ, ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਪਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਥਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਥਿੱਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਆ ਲਓ ਇਹ ਥਿੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਥਿੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿੰਨ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੈਪਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਟਿਓ, ਮਟੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਕੱਢੋ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ,
हो गया बेटा है, सेम चीज करो इतो। ते इतो। ये बेटा हार्ट बन गया थोड़ा, ठीक है। हुण आपां इहदी लेबलिंग करदे हां। सब तो पहला तो ध्यान देना, ये जिहड़ा तुसीं हार्ट बना रहे हो लेटरली इनवर्टेड बना रहे हो, इधरला हाथ तुहाडा राइट हैंड साइड है ना, इधर लैफ्ट हार्ट आ, इधर लैफ्ट हाफ ऑफ हार्ट आ, ये राइट हाफ ऑफ वर्ट हार्ट आ, ठीक है। ये तुसीं लेटरली इनवर्टेड हार्ट बना रहे हो, ठीक है। जे जिहड़ा राइट हैंड साइड च जी तुहाडी पेन पेंसिल फड़िया होया वो लैफ्ट हैंड साइड आ हार्ट की, ठीक है। याद रखियो लेटरली इनवर्टेड हार्ट आ, ये हैगा लैफ्ट हैंड, ये हैगा राइट हैंड साइड। हुण इन्हां चों एक चैंबर ऐसा जिथे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता, एक चैंबर ऐसा जिथे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता, तो बेटा लैफ्ट हैंड साइड दे विच ऑक्सीजनेटेड हार्ट फ्लो करता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैफ्ट हैंड फ्लो करता, राइट हैंड च करता डीऑक्सीजनेटेड। हुण इह तुसीं याद किवें रखना, याद है रखना, राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। देखो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब की हो गया, ऑक्सीजन तो बिना वाला हार्ट ब्लड, ऑक्सीजन तो बिना वाला ब्लड की होगा, गलत ब्लड, लेट अस सपोज कर लें गलत ब्लड, ठीक है। तो राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, राइट हमेशा सही नहीं हुंदा, कई बार गलत भी हुंदा, गलत मतलब डीऑक्सीजनेटेड भी हुंदा, याद हो जाऊ थोड़ू इन्हें नाल, ठीक है। इन्हें नाल थोड़ू याद रहूगा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की च फ्लो करता, लैफ्ट च फ्लो करता, राइट च नहीं फ्लो करता, बिकॉज राइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। ये चीज़ खास ख्याल रखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की च फ्लो करता बेटा लैफ्ट हैंड साइड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता राइट हैंड साइड से। तो इधर लैफ्ट हैंड साइड आ जिहड़ा पुत्त अपर चैंबर होंदा, अपर चैंबर दिस इज कॉल्ड आट्रीयम, आट्रीयम ये हैगा लैफ्ट आट्रीयम, ये आ जिहड़ा चैंबर है की होया, ये चैंबर होया फिर लैफ्ट हैंड साइड पर, तो दिस इज कॉल्ड लैफ्ट आट्रीयम, दिस चैंबर इज कॉल्ड आट्रीयम, दिस चैंबर इज कॉल्ड राइट आट्रीयम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लैफ्ट वेंट्रीकल, ये आट्रीयम नू कई बार ओरिकल भी कह देंगे ने, ठीक है, कन्फ्यूज ना हो, आट्रीयम का ही दूजा नाम ओरिकल आ, लैफ्ट ओरिकल एंड राइट ओरिकल, लैफ्ट वेंट्रीकल ये की है राइट वेंट्रीकल, ये की है बेटा सेप्टम, ये की है थोड़ा सेप्टम, ये सेप्टम पता की हुंदा, सेप्टम दे वैसे ये चलो थोड़ी बुक च नहीं हैगा पर मैं थोनू दस दिना, ये सेप्टम ते ना एक परकंजे फाइबर हुंदा गा, इत्थे एक फाइबर चलदा गा परकंजे फाइबर, वह की हुंदा, वो इत्थे आके ये दोनों जिहड़ियां वॉल्स हुंदियां ने उन्हां विच चला जांदा, ये परकंजे फाइबर ही दिल तड़कांदा, ठीक है। ये परकुंजे फाइबर की करता है, ये दिल तड़कांदा गा, इहदे करके ही ब्लड मतलब हार्ट बीट करता गा, ये सिग्नल दिंदा गा पूरे हार्ट नूं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो, वो आपां गल करांगे किवें। एक नोड्स हुंदियां ने बेटा इत्थे इहदियां, ठीक है,
ਇੱਥੇ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸ ਏ ਨੋਡ, ਸਾਈਨੋ ਆਟਰੀਅਮ ਨੋਡ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨੋ ਆਟਰੀਅਮ ਨੋਡ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏ ਵੀ ਨੋਡ ਨਾਲ, ਆਟਰੀਓ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਲੋਡ ਨੋਡ। ਸਾਈਨੋ ਆਟਰੀਅਮ ਨੋਡ ਜਦੋਂ ਧੜਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨੋ ਆਟਰੀਅਮ ਨੋਡ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਇਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨੋਡਸ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਇਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਰੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਡਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕੰਜੇ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਕੰਜੇ ਫਾਈਬਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਬਰ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਓਟਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਓਟਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਓਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਇਓਟਾ, ਆਇਓਟਾ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਆਹ ਰੱਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ, ਪੁਲਮੋ ਨਰੀ ਵੇਨ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਇਓਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਆ ਲੇਬਲਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਊ ਵੀ ਆਹ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਨਹੀਂ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਨਾ ਕਾਵਾ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਆਰਟਰੀ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਟਾ ਐਂਡ ਪੁਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਮਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਟੂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ। ਜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਆਕਸੀਜੀਨੇਟਡ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲੀ ਵੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨਸ ਕੈਰੀ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ, ਪੱਪਾ, ਪੱਪੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਪੱਪਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਵੇਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਮਨਰੀ ਵੇਨ ਆ
वह ऑक्सीजनेटड ब्लड कैरी करती है। याद रख लेना है पप्पा पुट्ठा पप्पा पुलमनरी, पुलमनरी वेन वेन्स तो पुट्ठा काम करती है। जे वेन डीऑक्सीजनेटड ब्लड कैरी करती है तो पुलमनरी वेन ऑक्सीजनेटड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। इहदा मतलब जे उपर लंग्स ने इतों लंग्स तो आ रहा मेरे को ब्लड ए आ गया हो की आ गया हो लैफ्ट आट्रीयम ज लैफ्ट ओरिकल च आ गया, लैफ्ट ओरिकल च आ गया। ये वॉल्वस ने यह की ने वॉल्वस, इनू भी लेबल कर लो वॉल्वस ने बेटा है ठीक है। वॉल्व ठीक है जी, दीज आर वॉल्व्स, वॉल्व्स हो गए। ए भी वॉल्व आ ए भी वॉल्व आ। वॉल्व मैं थोनू दस्या सी भी की काम करते ने कल वाले लैक्चर दे विच, की काम करते ने बैक फ्लो ऑफ ब्लड नू रोकते ने। हुण की हो गया चलो आपां काम करदे आ, लैफ्ट हैंड आ जिहड़ा एल ते लैफ्ट एल ते कर लो लंग्स, लंग्स तो लैफ्ट हैंड साइड दे विच थ्रू पुलमनरी वेन ऑक्सीजनेटड ब्लड आउंदा आ गया जी। चलो आ गया फिर ये वाल्व खुल जाते ने, वाल्व खुल जाते ने, वाल्व खुल गए इहदा मतलब जिहड़ा ब्लड आ वो नीचे चला गया वेंट्रीकल च, की चला गया वेंट्रीकल च चला गया। हुण वेंट्रीकल ने की करना कॉन्ट्रैक्ट कर देना, वेंट्रीकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया मतलब वेंट्रीकल दबिया गया, दबिया गया ना मतलब जिहड़ा ब्लड आ वो इत्थों उपर नूं जाऊगा क्योंकि नीचों कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड उपर नूं जाऊ। हुण वाल्व हो गया बंद क्योंकि नीचों जे प्रैशर पऊगा तो वाल्व इस तरह के ने, वाल्व हैगे इस तरह के, नीचों जे कोई चीज़ पऊ तो वाल्व बंद हो जाएंगे। इहदा मतलब ब्लड उपर नहीं जाऊगा। ब्लड कोल फिर किहड़ा रास्ता रह गया बाहर निकलण वास्ते, ब्लड कोल सिर्फ आ रास्ता रह गया ए इत्थों आयोटा दे थ्रू होके ब्लड बॉडी च चला जाऊगा, बॉडी टू बॉडी आयोटा दे थ्रू होके ब्लड बॉडी च चला जाऊगा, बॉडी च चला गया ऑक्सीजनेटड ब्लड चला गया बॉडी च। हुण वो सारा ऑक्सीजनेटड ब्लड कंज्यूम हो जूगा मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जू, डीऑक्सीजनेटड ब्लड आ जूगा। हुण फिर डीऑक्सीजनेटड ब्लड कित्थों आऊ, सारा डीऑक्सीजनेटड ब्लड बॉडी दे विच्चों वापस आऊ वेना कावा दे थ्रू, वेना कावा दे थ्रू डीऑक्सीजनेटड ब्लड की चाहूगा राइट आट्रीयम चाहूगा, राइट आट्रीयम खुल जूगा बेटा ब्लड चला जाऊ नीचे, वाल्व खुल जू जदों फिर की होगा नाल दी नाल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ब्लड ने ब्लड को एको ही राह बाहर निकल दा, देखो केड़ा राह आला राह यह। हुण यह डीऑक्सीजनेटड आ, यह ऑक्सीजनेटड होने लई किहदे कोल चला जाऊगा, ये जिहड़ा मेरे कोल ऑक्सीजनेटड होने लई ब्लड किहदे कोल चला जाऊ लंग्स कोल चला जाऊगा, टू लंग्स फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, पुलमनरी आर्टरी लैके जाऊ इनू लंग्स को, पप्पा पुलमनरी पप्पा पुट्ठा आर्टरी, आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटड ब्लड कैरी करती है बट जी पुलमनरी आर्टरी आ वह पुट्ठा काम करेगी वह डीऑक्सीजनेटड ब्लड कैरी करेगी। आर्टरी का काम होंगे ब्लड नू हार्ट तो बॉडी में लैके जाना, हुण पुलमनरी आर्टरी का काम ब्लड नू हार्ट तो लंग्स तक लैके जाना, तो जी लंग्स तक लैके जाऊगी ओबियसली वह डीऑक्सीजनेटड ब्लड लंग्स तक लैके जाऊगी। गल समझ आ रही है थोनू सारी, है रिवाइंड करो सारा कुछ। देखो लंग्स तो लैफ्ट हैंड साइड दे विच ऑक्सीजनेटड ब्लड पुलमनरी वेन दे थ्रू होके किथे आया, लैफ्ट आर्ट्रीयम च, फिर वो नीचे चला गया वॉल्व्स खुल गए नीचे आ गया लैफ्ट वेंट्रीकल च, लैफ्ट वेंट्रीकल ने धक्क मारी उन्हूं ठीक है कॉन्ट्रैक्ट हो गया लैफ्ट वेंट्रीकल, ये ब्लड चला गया उपर आयोटा दे विच ते बॉडी दे विच चला गया, बॉडी दे विच ऑक्सीजनेटड ब्लड हो गया। हुण ऑक्सीजनेटड ब्लड यूज़ हो गया वो बॉडी तो
फिर डीओक्सीनेटर ब्लड बनया, वो डीओक्सीनेटर ब्लड आ जिहड़ा वो थ्रू वेना कावा राइट आट्रीयम दे विच आया, फिर राइट वेंट्रीकल दे विच चला गया, इत्थों कॉन्ट्रैक्ट हो के वो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स कोल चला गया ऑक्सीजनेटड होण लई। ठीक है, ऑक्सीजनेटड होण लई चला गया। ठीक है बेटा, ये याद रखना तुसी। हुण ये याद किवें होऊ, ना तां लेबलिंग याद करनी पऊ, नाले आह साइकल याद करना पऊगा। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हुण इहनूं डबल सर्कुलेशन क्यों कहिंदे ने, इहनूं डबल सर्कुलेशन तां कहिंदे ने क्योंकि ब्लड इक्को ही ब्लड एक बार ऑक्सीजनेटड हो गए, एक बार डीओक्सीजनेटड हो के की हो रहा है, हार्ट विच्चों जा रहा, दो बार निकल रहा, एक बार उही ब्लड सी ऑक्सीजनेटड निकल रहा सी, एक बार उही ब्लड डीओक्सीजनेटड निकल रहा सी। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन करके ही ह्यूमन कैन एडजस्ट देयर बॉडी टैंपरेचर, ताही अपने च इन्नी एनर्जी आ। जे कि अपना ब्लड भी मिक्स हुंदा ना, ऑक्सीजनेटर ते डीऑक्सीजनेटर ब्लड मिक्स हुंदे, आपां अपनी बॉडी दा टैंपरेचर नहीं मेनटेन कर सकते सी, आपां बाली ठंड च भी मर जाया करते, बाली गर्मी च भी मर जाया करते। जिवें कि थोड़े रैप्टाइल्स ने वो मर जाते हैं, बाली गर्मी पैन लग जाए रैप्टाइल मर जाएंगे, बाली ठंड हो जाए रैप्टाइल मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। वो कन्फॉर्मरस होंगे ने, वो रेगुलेटर नहीं होंगे, ये शब्द ने दो। ठीक है, एक कन्फॉर्मर होंगे ने, एक होंगे ने रेगुलेटर, रेगुलेटर होंगे आप, होंगे ने कन्फॉर्मरस। ठीक है, चलो ये आप बाद देखा। हुण इत्थे एक मैं थोनू चीज़ कही सी भी जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड आ उहदी जिहड़ी वाल आ उह मोटी आ, क्यों मोटी आ, हुण इहदा रीज़न देखो की आ पुत। इहदा रीज़न हैगा क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड ने ब्लड पूरी बॉडी च भेजना, तां करके इहदा जिहड़ा मसल होगा वह ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। लैफ्ट हैंड साइड का मसल की होगा, ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। इन्हें तो लंग्स तक ही भेजना गा, राइट हैंड साइड ने तो लंग्स तक ही ब्लड भेजना, तो हार्ट के तो लंग्स बिल्कुल कोल ने, पर लैफ्ट हैंड साइड ने ब्लड पूरी बॉडी च भेजना, तां करके पूरी बॉडी च प्रैशर नाल भेजने लई इहदे मसल स्ट्रोंग ने, तां करके इहदा मसल की आ मोटा गा। ठीक है, हुण इह प्रोसैस की हुंदी आ, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुंदी आ। रिलैक्सेशन ते कॉन्ट्रैक्शन दे विच की हुंदा, तीन प्रोसैस हुंदियां ने बेटा हार्ट दियां। इत्थे हुंदा डायस्टॉल, रिलैक्सेशन नूं आपां कहिंदे आ डायस्टॉल। रिलैक्सेशन का मतलब की आ डायस्टॉल, इत्थे भी आ डायस्टॉल। कॉन्ट्रैक्ट कौन होंदे ने, वेंट्रीकल होंदे ने, उहनूं आपां कहिंदे आ सिस्टॉल। की कहिंदे आ, कॉन्ट्रैक्शन नूं सिस्टॉल, SYSTOLE, सिस्टॉल, SYSTOLE। चलो हुण आपां डायस्टॉल ते सिस्टॉल समझदे आ, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट कैम समझते हैं। सब तो पहला स्टैप होंगे बेटा जॉइंट डायस्टॉल। की होंगे जॉइंट डायस्टॉल, आप मान लें भी हार्ट खाली है, पहला इमेजिन करो हार्ट खाली है, हार्ट खाली है, दो चीज़ा कट्ठिया भरन लगनगियाँ, लैफ्ट ओरिकल तो राइट ओरिकल, ये कट्ठे भरन लगनगे, भरन लगनगे मतलब दोनों रिलैक्स होंगे, अंदर नूं खिंचन लगनगे ब्लड। अंदर नूं किवें खिंचणगे, जिहड़ा तां राइट लैफ्ट ओरिकल आ वो तो लंग्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर नूं खिचूगा, जिहड़ा राइट हाफ हैगा राइट ओरिकल आ वो की करूँ, बॉडी तो डीओक्सीजनेटर ब्लड अंदर नूं खिचूगा। तो हो गया ना जॉइंट डायस्टॉल, रिलैक्सेशन दोनों की कट्ठी जॉइंट डायस्टॉल। अगे की होगा, जॉइंट डायस्टॉल हो गया, इन्हें की किया इतने प्रैशर पाया, वाल्व खुल गए, वाल्व की हो गए बेटा जी, ओपन हो गए, वाल्व हो गए ओपन। ओपन एवें नहीं होए, इन्होंने की करता डायस्टॉल तो बाद सिस्टॉल करता, ये भी सिस्टॉल हो गया, ये भी सिस्टॉल हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट। जिहड़ा इन्हां च ब्लड सी पिचक गया वो नीचे आ गया, वाल्व खुल गए। उपरों आपां कोई चीज़ दब दिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिए तो वाल्व खुल जाएंगे, चीज़ नीचे चली जाऊगी। इत्थे हो गया आर्ट्रियल सिस्टॉल, या फिर यू कैन से ओरिकल सिस्टॉल, ओरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। पहला तो नॉर्मल डायलेट हो गए, वो डायलेट का मतलब फैल गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। हुण कॉन्ट्रैक्शन तो बाद जिहड़ा ब्लड आ वो नीचे आ गया वेंट्रीकल्स च आ गया, फिर की हो गया तीजा स्टैप हो गया वेंट्रीकूलर सिस्टॉल, वेंट्रीकूलर सिस्टॉल। वेंट्रीकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रीकल्स की हो गए कॉन्ट्रैक्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड वेंट्रीकूलर सिस्टॉल। वेंट्रीकूलर सिस्टॉल तो बाद की होया
लैफ्ट हैंड साइड का जिहड़ा अपने कोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सी वह चला गया बॉडी नूं, ठीक है, राइट हैंड साइड का जिहड़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सी वह चला गया लंग्स नूं। तां तीन स्टैप हो गए, पहला स्टैप हो गया जॉइंट डायस्टॉल दोनों कट्ठे, जिहड़े दोनों ऑरिकल ने वह कट्ठे फैल रहे हैं, फिर हो गया ऑरिकल सिस्टॉल वह दोनों कट्ठे ही पिचक गए, उदू बार केड़ा होया वेंट्रीकूलर सिस्टॉल। तीन स्टैपां दे विच अपना पूरा हार्ट का फंक्शनिंग हो गई। डायस्टॉल का मतलब आ रिलैक्सेशन, सिस्टॉल का मतलब आ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जिहड़ा बी पी हुंदा बेटा वह भी अपना की हुंदा, दो तरह का हुंदा बी पी, एक कहने आपां डायस्टॉलिक प्रैशर, एक कहने आ डायस्टॉलिक प्रैशर। डायस्टॉलिक प्रैशर की हुंदा, जदों अपनी बॉडी आ जदों हार्ट आ जिहड़ा वह रिलैक्स हुंदा तां जिहड़ा डायस्टॉलिक प्रैशर हुंदा वह किन्ना हुंदा, वह 80 mm ऑफ मरकरी हुंदा। जदों आपां बी पी मिणदे आ किन्ना हुंदा वह 80 mm ऑफ मरकरी डायस्टॉलिक प्रैशर। सिस्टॉलिक प्रैशर वह हुंदा नॉर्मल 120 mm ऑफ मरकरी। वो जिहड़ी मशीन हुंदी आ जिहदे नाल आपां ब्लड प्रैशर मैजर करदे आ उहदा की नाम आ, उहदा नाम आ बेटा स्फैगमैनोमीटर, उहदा नाम हैगा स्फैगमैनोमीटर। रुको, स्पैलिंग एदे तुसी भी याद करने ने, हजे तक के मैनू नहीं याद होए। ये स्पैलिंग ने पुत्र जी SPHYG स्फिग मो स्फिगमो मैनो MANO स्फिगमो मैनो मीटर। वो जिहड़ा बी पी चैक करन लगे डॉक्टर बांह ते पा के वो पंप जिहा करदे हुंदे ने, वो की करदा वो पंप अपन नूं ना जिहड़ियां आर्टरीज़ हुंदियां ने आर्टरीज़ नूं कॉन्ट्रैक्ट कर दिंदा, ठीक है, क्योंकि आर्टरी दे विच आपां नूं पता ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ते आर्टरीज़ ही ज़्यादा थिक हुंदियां ने ते इन्हां ते ही आपां ब्लड प्रैशर दिंदा गा। क्यों दिंदा, लैफ्ट दे विचों आयोटा निकलदियां ना लैफ्ट ने प्रैशर नाल, मैं तुहानूं दस्सिया लैफ्ट जिहड़ा अपना हार्ट आ लैफ्ट चेंबर आ लैफ्ट हार्ट ने प्रैशर नाल ब्लड नूं उपर मारिया हुंदा तां वह जिहड़ा प्रैशर आ वह पूरी आर्टरी दे विच फील कीता जांदा गा, क्योंकि ब्लड भी एक लिक्विड आ, लिक्विड जदों फोर्स लाऊगा तां प्रैशर होऊगा, ठीक है, तां प्रैशर नाल मारिया हुंदा उही प्रैशर। जदों तां रिलैक्स हुंदा